हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे ब्रेज़ा के बिगेस्ट पॉजिटिव्स 2022 में। आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, मैं बस नेचुरली एस्पिरेटेड की बात कर रहा हूँ। नेक्सॉन का आप टर्बोचार्ज्ड ही है उसका इंजन, उसके कंपैरिजन में ये क्यों अच्छी है, ये वाली भी और नई वाली भी, वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो फर्स्ट पॉजिटिव जो मुझे लगता है अपनी कार में, वो है इसके एसयूवी वाले लुक्स। जो इसका स्टैंड है ना यार, वो इस पूरे सेगमेंट में आप कोई सी भी कार उठा के देख लो, कोई भी आपको एसयूवी वाली फील नहीं देती। आप बाहर से देखो या अंदर से, विजिबिलिटी वो इस कार की नेक्स्ट लेवल है। अगर मैं सेकंड पॉजिटिव की बात करूं, तो वो मुझे इसका लगता है बूट लिड। आप अगर देख रहे होगे तो नेक्सॉन का भी अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी डीप है, बट इसका काफ़ी बिल्कुल लेवल पे है। आपको ज़्यादा नीचे जाके एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप इस पर भी रख सकते हो। बहुत ही वाइड है, कितने बड़े बॉक्सेस रख सकते हो। प्रैक्टिकल बूट ये है, कहने के लिए 328 लीटर्स है, बट इसमें आपके आराम से दो बड़े बैग आ जाते हैं और एक छोटा बैग आ जाता है। थर्ड पॉजिटिव ब्रेज़ा का, जो इसका हार्ट है, जो इसका इंजन है, वो इसकी बेस्ट क्वालिटी है इस सेगमेंट में। या फिर आप अगर इससे ऊपर के सेगमेंट में भी जाओगे, आप अगर क्रेटा की बात करोगे या सेल्टॉस की बात करोगे, उनका जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है 1.5 लीटर, ये उसको टक्कर देता है इस सेगमेंट में। तो मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि आपको नॉइस कितनी मिलती है और रिफाइनमेंट कितनी अच्छी है। तो ये सबको पता होगा, जो भी BS6 कार्स हैं उनके लिए आपको पहले क्लच प्रेस करके तब गाड़ी स्टार्ट होती है, वरना आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो अंदर तो आपको इसमें आवाज़ आती ही नहीं है, इतना रिफाइंड इंजन है। मैं आपको इसका बोनट भी खोल के दिखाता हूँ, क्यों ये सबसे अच्छा इंजन है इस सेगमेंट का। इसकी वजह से ये है 1.5 लीटर का इंजन, 15 सीसी का, और ये जो हॉर्स पावर क्रिएट करता है, BHP आप कह सकते हो, 103 और 134 न्यूटन मीटर का टॉर्क ही निकालता है। इंसुलेशन आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, और अब ये बिल्कुल शांत में आप इसकी आवाज़ देखते हो। मैं बिल्कुल पास भी ले जाता हूँ इसके। आप नेक्सॉन का एक बार बोनट ओपन करके देखना, आपको पता चलेगा मैं किस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। आप देखोगे नीचे इंजन कवर भी आता है इसमें बेस मॉडल से ही, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस कार की रिफाइनमेंट नेक्स्ट लेवल है। सेकंड में अगर बताऊं, मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के बताता हूं। गाड़ी स्टार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, AC भी ऑन है, और आप नॉइस चेक करो। ये AC के साथ भी आपको कंप्रेसर की नॉइज भी नहीं आ रही है, और वाइब्रेशन आप देख सकते हो। ये स्टेयरिंग है, ये आपका, अगर आप आयर बीम चेक करोगे, ये भी बिल्कुल नहीं हिल रहे, और इस पर तो कोई नाम ही नहीं है कि अगर ये हिल भी जाए जरा सा। ये डिफरेंस होता है मारुति की कार में और टाटा की कार में, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला नेक्सॉन फार बेटर है। मैंने भी पहले नेक्सॉन बुक कराई थी भाई, बट जब ब्रेज़ा चलाओगे ना आपको डिफरेंस पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो कार बेकार है या वो अच्छी नहीं है, वो नहीं लेनी चाहिए। उसके अपने पॉजिटिव्स हैं, बट इसके अपने पॉजिटिव्स हैं, बट कंप्लीट कार यही है अगर आप ओवरऑल देखोगे। हाँ, तो नेक्स्ट पॉजिटिव है इसकी विजिबिलिटी। अगर आप देखोगे जो इसका विंडशील्ड वाला एरिया है, वो इतना वाइड है इस सेगमेंट में, इससे वाइड बस XUV300 का इसके कंपेरिजन में आप देख सकते हो, वरना किसी का इतना वाइड नहीं है। पिलर्स भी बहुत मोटे नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट एरिया बहुत लिमिटेड है, तो आपको पहाड़ों में जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप देखोगे इसके साइड मिरर्स, ये भी बहुत बड़े बड़े, तो विजिबिलिटी से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड कि ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो, वो इसमें कोई रिस्क नहीं है। अब
बाहर चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉजिटिव है वो है मारुति की कार होते हुए भी ये सेफ है। अगर आपको पता होगा तो ब्रेजा 4-star रेटेड कार है और ये नंबर सबसे ज़्यादा है मारुति में। तो अगर आप एक कंप्लीट पैकेज देख रहे हो एक कार में, तो अगर आप देखोगे इंजन मेन होता है, फिर आपको लुक्स देखने होते हैं कार के, थर्डली आप चेक करते हो कि कार भाई चलने में कैसी है, राइड इन हैंडलिंग कैसी है, वो भी इस कार की बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी है। और इंजन तो बेस्ट है इस सेगमेंट में, ऐसा इंजन ही नहीं है तभी ये हाईएस्ट सेलिंग कार है आज तक की कॉम्पैक्ट एसयूवी के मार्केट में। इससे ऊपर कोई गाड़ी नहीं है। नेक्सॉन अब कवर अप कर रही है, बट अगर आप कंपेयर करोगे। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। तो अगर आप एक गाड़ी देख रहे हो इस सेगमेंट की, 10 लाख तक का आपका बजट है, बेस मॉडल लेना चाहते हो जिसमें सारी चीज़ें हैं, तो ब्रेजा बहुत अच्छी चॉइस है। जो नई वाली ब्रेजा आई है उसमें आपको रेयर एसी इवेंट्स भी मिलते हैं, माइल्ड हाइब्रिड भी मिलता है, और कंपैरिजन में इंजन सेम है 1.5 लीटर का है, थोड़ी सी उसमें पावर रिड्यूस करी है बट माइनर सी, 1 BHP का डिफरेंस है, बट वो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए जाने के लिए। और एक और अगर मैं आपको इसका पॉजिटिव बताऊँ तो इसका टायर साइज, जो इसका टायर सेक्शन है अगर आप देखोगे तो ये बेस मॉडल कार है, इसमें भी 205/60R16 टायर आता है। और अगर आप नेक्सॉन का टॉप मॉडल भी देखोगे, काजीरंगा एडिशन को मैं की बात में नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें 205 आता है। नेक्स्ट इसका जो टॉप मॉडल मिलेगा आपको ब्रेजा का, उसमें 215 आता है। तो टायर साइज भी आपको मोटा मिलता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है टायर्स की भी। और राइड इन हैंडलिंग के लिए या फिर कैसी ये चलती है गाड़ी, और नई वाली भी सेम ही चलती है, मैंने दोनों चलाई हैं। ये तो मैंने आपको बता दी पॉजिटिव्स, हर गाड़ी में नेगेटिव भी होते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।